आस्था एक ऐसी चीज होती है जो हर किसी में विद्यमान है और कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में उसे फॉलो करता है। अगर वो फॉलो ना करता तो शायद उस अनुशासन को ना मानता, उस ऊपर वाली सत्ता को ना मानता। और यही वजह है जब हम कोई शुभ काम करना चाहते हैं, खास करके जब हम गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं या कुछ और नया काम करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं किसी से कि हमें क्या इस समय ये करना उचित रहेगा। खास करके जो हमारे हमारी ज्योतिष है, जो हमारा धर्मशास्त्र है, उस पर हम विश्वास करते हैं। और आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि की। और आज मेरे साथ फिर से रेखा मैम है। रेखा मैम, थैंक यू। मुझे पहले एपिसोड के बाद में दूसरे एपिसोड में हम एंट्री कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक सतत सफर शुरू हुआ है जो कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, अगर इस सप्ताह में किसी को गाड़ी खरीदना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि इस हफ्ता में गाड़ी देखते हैं तो कौन सा, किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो वो जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो प्लान चल रहा है अपना, आराम से चीजें देखते हुए डिसीजन ले, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और दूसरा, हमेशा शाम के टाइम में वो गाड़ी लेने का प्लान करें, 4 से 5 बजे के आसपास। तो ये जो वक्त है 4 से 5 बजे आपने बताया है, तो अगर किसी को मतलब टाइम नहीं है, कहीं जाने की सोच रहा है, तो क्या वो कुछ मैनेज कर सकता है बीच में, जैसे बोले कुछ टोकन अमाउंट पहले या कुछ ऑनलाइन पेमेंट करके ऐसा? हाँ जी बिल्कुल, वो देख सकते हैं, टोकन अमाउंट पहले दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा उन्हें। बट अगर डिलीवरी अगर उन्हें लेनी है तो फ्राइडे का दिन वो देखें और शाम के टाइम में वो देखें, उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक सवाल आता है बीच में, जैसे क्योंकि हर किसी का बजट उसको उसके तरफ बढ़ाता है कि किसी को हैचबैक खरीदना है, किसी को हॉट हैचबैक खरीदना है, क्योंकि सेगमेंट बहुत सारे हो गए, सेडान है, कॉम्पैक्ट सेडान है, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, मिड साइज एसयूवी है, तो सब कुछ। तो मैं अगर मैं पूछूं हैचबैक किसी को खरीदना है, उसकी राशि वृषभ है, हैचबैक बोले तो जो एंट्री लेवल जहां पर आपको ऑल्टो, टियागो और यॉन जैसी गाड़ियां मिलती हैं, सेंट्रो हो गया, सेंट्रो को भी थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, बट अगर ऐसी में कोई किस नाम से उसे चूज करना चाहिए? हाँ चलिए, हम देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए किस जो पहला अक्षर होता है गाड़ी का वो किस उससे ले। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए दो कार्ड उठाए हैं, एक तो इनके लिए अल्फाबेट ए बहुत अच्छा रहेगा लेना, और आई से अगर ये लेते हैं वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा लेना वृषभ राशि वालों के लिए। इनमें यह होता है कि अगर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग अल्फाबेट के हिसाब से गाड़ी लेते हैं तो ज्यादा फलता है इन्हें। लेकिन मैम कई बार होता है कि सारे अल्फाबेट से गाड़ियां नहीं हो सकती है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो ऑल्टो हो गया, ई हो गया, टियागो हो गया जो उसमें आता है, फिर यॉन हो गया, तो छोटी छोटी गाड़ियों में ऐसे हो गई, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, छोटी गाड़ी वालों के लिए ऑल्टो हो गया, या उनके लिए भी हम ए अल्फाबेट आया, जैसे अभी तो हमारा ए आ गया, तो हमारा तो काम हो गया। लेकिन अगर और कोई कुछ चूज करना चाहता है, और कोई अगर और अल्फाबेट आ जाता तो क्या करते? अल्फाबेट आ जाता फिर हम देखते कि उनको किस सेगमेंट में गाड़ी देख रहे हैं, हैचबैक में देख रहे हैं या नॉचबैक में देख रहे हैं या एसयूवी में देख रहे हैं, वो भी देखा जाता। फिर उनके अंक से भी देखा जाता है कि वो कौन से नंबर प्लेट पे, कौन सा नंबर वो ले, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी चीजें होती है गाड़ी लेते हुए, अगर एक चीज में उनका हालांकि अल्फाबेट नहीं मैच कर पा रहा है तो कुछ उपाय होते हैं, रेमेडीज वो कर सकते हैं, रेमेडीज करने के बाद उनकी चीजें सॉल्यूशन हो सकती है। तो जिस रेमेडीज की बात करें, जैसे किसी का कुछ नहीं बन रहा है, तो किस रेमेडीज में क्या चीजें होती हैं जो आप सजेस्ट करते हो? वृषभ राशि वालों के लिए ही बात करेंगे, वृषभ राशि वालों के लिए क्या रेमेडीज मैं सजेस्ट करूंगी कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, वृषभ राशि वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, अगर वो चांदी के गिलास में अगर पानी पीते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या होता है कि माइंड में बहुत सारी चीजें उलझनी चल रही होती है, और सिल्वर जो है, चांदी जो है, मून का प्रतीक है, तो उसमें क्या होता है कि
मेंटली आप बहुत सारी चीजें दिमाग में कैलकुलेट कर रहे होते हो, गाड़ी के मामले में बात करें तो ये गाड़ी लेनी चाहिए या दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए, बजट नहीं बन रहा है, नॉच बैक ले या हैचबैक ले, कंफ्यूजन चलती रहती है. तो मैं उनको सलाह देना चाहूंगी कि अगर वो चांदी के गिलास में पानी पीना स्टार्ट करे दिन में एक बार भी तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा. तो वृषभ राशि वालों के लिए जिनका बजट हैचबैक का है, यानी कि कम पैसे खर्चने हैं और गाड़ी खरीदनी है, तो उनके लिए जो अल्फाबेट है वो ये है, ए और आई. ए और आई है जी. तो इसके साथ ही और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको चांदी का गिलास यूज करना चाहिए पानी पीने के लिए. आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी. एक ऐसे सेगमेंट की बात करने जा रहा हूँ जो की बहुत पॉपुलर हो रहा है. इसने कई मामलों में जो एंट्री लेवल हैचबैक है उसको भी पीछे छोड़ दिया है. हम मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पैक्ट सेडान की, जिसमें अच्छा। आप अमेज, डिजायर, एक्सेंट, ऑरा ऐसी गाड़ियाँ बहुत सारे का. तो अगर वृषभ राशि वाला कोई इस सेगमेंट में कुछ अपने लिए तलाश रहा है तो उसे किस लेटर से शुरुआत करनी चाहिए? तो इसमें जो लेटर है हमारे पास ऑरा हो गया, ए हो गया, डी हो गया डिजायर, ए हो गया अमेज, एक्सेंट ए, मतलब ये बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे, टी हो गया, कीबोर्ड हो गई. तो इस तरीके से अगर आप सजेशन देना चाहें तो जी बिल्कुल. देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए. अमित जी, एक तो इनके लिए ए अक्षर बहुत अच्छा है, इसमें विकल्प भी बहुत है. हाँ जी, इसमें ये देख सकते हैं. दूसरा टी भी इनके लिए बहुत अच्छा निकल के आ रहा है. अगर टी अक्षर से गाड़ी लेना प्लान करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, और वो भी ले सकते हैं. ये दोनों अक्षर इनके लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं. तो इनमें कोई रेमेडीज अगर कुछ उस लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से बताना चाहें हम यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल. देखो, गाड़ी लेने से पहले ये जब प्लान करते हैं तो इनको जो बातों का ध्यान रखना चाहिए वो है कि कुछ ये लोग पूजा, देखो हम लोग हर कुछ भी काम करने से पहले पूजा करते हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए जो मंत्र है शुक्र का, बीज मंत्र का ये लोग जाप करें तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा. और मन चाही गाड़ी जो सेगमेंट में ये देख रहे हैं इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अब बढ़ते हैं थोड़ा सा सेडान की तरफ जी. ठीक है, मिड साइज सेडान जिसमें सिटी हो गई, आपका सियाज हो गया, वरना हो गई, रैपिड हो गई, ये सारे बिकती है. हाँ, तो अगर कोई वृषभ राशि वाला प्लान कर रहा है कि उसका बजट इसके अराउंड है कहीं पे, तो उसे कौन से लेटर पे जाना चाहिए? जी बिल्कुल, देखते हैं. देखिए, ये सियाज के लिए प्लान कर सकते हैं और वरना के लिए भी प्लान कर सकते हैं, रैपिड के लिए भी प्लान कर सकते हैं. ये तीन गाड़ी इनके लिए काफी अच्छी आ रही हैं. अच्छा, इनके लेटर्स के हिसाब से? हाँ, इनके लेटर्स के हिसाब से अगर आप पर्टिकुलर सेम गाड़ियों की बात करें तो ये तीन गाड़ियों के बारे के लिए ये ले सकते. तो इसमें अगर कुछ रेमेडीज भी, मतलब स्वास्थ्य के लिहाज से बताएं कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं. तो देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए मैंने पहले भी बताया, एक तो चांदी के गिलास में इनको पानी पीना है, वो तो इनका पहले का हो गया. दूसरा इनको बताया कि इनको शुक्र का बीज मंत्र का जाप करना है, वो इनके लिए बहुत जरूरी है. एक तीसरा महा उपाय मैं इनको एक बता देती हूँ जी बिल्कुल. इनको हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ स्ट्रीट डॉग्स हो गए, या फिर आप जब नीचे निकलते हो आपको कोई मिलता है, कुछ ना कुछ डोनेट करें, चाहे बिस्किट खिलाए स्ट्रीट डॉग को या दूध पिलाए, ये बृहस्पतिवार को ये सब करें. अब मैं बढ़ूंगा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ, जिसमें आपको वेन्यू मिलती है, ब्रेजा मिलता है, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां आ गई, कई नेक्सॉन हो गई, तो कई सारी गाड़ियां मिल रही हैं. तो इसमें अगर कोई प्लान कर रहा है, क्योंकि बस इसके बाद मैं एक और सेगमेंट कैरी करूंगा इसमें, क्योंकि तो बहुत बड़ा सेगमेंट है इसमें, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करोगे किस लेटर से अगर सब कोई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहा है? हमारे जो लेटर हैं इसमें बी हो गया और वी हो गया, वी फॉर विक्ट्री, बी फॉर बॉम्बे. देखिए अमित जी, इस सेगमेंट में अगर मैं देखूं कार्ड के अकॉर्डिंग तो बी इनके लिए बेटर आ रहा है. दूसरा अक्षर वर्ड मैंने उठाया कि कुछ आए, बट ऐसा कुछ निकल के अभी आया नहीं है. बट बी इनके लिए काफी अच्छा है. अगर ये
बी लेटर से देखते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, ब्रेजा पेट्रोल में आने वाली ऑटो एक्सपो में नजर आने वाली है, तो एक ब्रेजा भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। वेन्यू भी धमाल कर रही है, मतलब वेन्यू तो वेन्यू तो नहीं चलेगा क्योंकि वी फॉर विक्ट्री है, तो ब्रेजा अगर आप पसंद कर रहे हो आपके लिए, अभी आपको शायद इस सप्ताह में खरीदने का मौका नहीं मिले क्योंकि है नहीं अवेलेबल अभी बहुत जगहों पर। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ जिसमें हम बात करेंगे नॉर्मल, जिसमें मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज एसयूवी की बात करते हैं, जिसमें आपका क्रेटा हो गया, कोई स्पोर्ट को भी बहुत सारे लोग उस पे कैरी कर लेते हैं, और अभी और बहुत सारी गाड़ियां आने वाली है, तो इसमें हम किस लेटर को सजेस्ट कर सकते हैं? क्रेटा सी अक्षर इनके लिए ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो ये लोग क्रेटा पे देख सकते हैं। अगर क्रेटा का प्लान करते हैं तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और मैं इनको एक सलाह और देना चाहूंगी, अगर ये इस सेगमेंट में जा रहे हैं तो जो भी गाड़ी का कलर होगा वो लाइट रखें, थोड़ा सा वाइट कलर रखें, प्लेटिनम लाइट कलर रखें, वो ये लोग रखेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए गाड़ी खरीदते वक्त और क्या आप एक अंतिम सजेशन देना चाहेंगे अगर उनको जो फॉलो करना चाहिए? देखो गाड़ी खरीदते हुए इनको जो ध्यान मेन चीजें रखनी है वो एक तो रखना है कि फाइनेंशियली तो इनको दिक्कत देखो बिल्कुल नहीं आ रही है, बट कभी भी जब भी ये इन्वेस्ट, देखो गाड़ी एक ऐसी चीज है जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तो डे का बहुत ध्यान रखें ये किस दिन ये लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगी फ्राइडे का दिन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये लोग फ्राइडे को जाते हैं गाड़ी लेने के लिए वो बहुत ही इनके लिए शुभ दिन होगा, और उससे इनके जो घर में गाड़ी आएगी वो काफी अच्छी रहेगी। तो ये थी रेखा मैम, और आज हमने कैरी किया वृषभ राशि को, इसके बारे में बात की। अगर आप कोई और सवाल करना चाहते हैं, आपको कुछ जानना है गाड़ी खरीदने के वक्त, अगर आपको कोई सही समय की जानकारी चाहिए या कुछ और जानना चाहते हैं रेखा मैम से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे सोशल लिंक्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आप तक जरूर पहुंचेगा। अपना ध्यान रखिएगा।